नमस्कार दोस्तों, साल 2022 में सकट चौथ यानी कि सकष्टी चतुर्थी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले जातक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान गणेश अपने भक्त की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। वैसे तो ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है, लेकिन इस दिन कुछ खास उपाय करने से हम विघ्नहर्ता की कृपा पा सकते हैं, साथ ही काम में आने वाली परेशानियां दूर कर बिगड़े काम बना सकते हैं। इसके अलावा ये दिन मनोकामना पूर्ति के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आपको 21 जनवरी सकट चौथ वाले दिन करना है। चलिए जानते हैं किन उपायों को करने से आपका जीवन बदल सकता है। पहला उपाय, दूर्वा चढ़ाना। सकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता गणेश महाराज को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो इस भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हुए मंत्र इंद दूर्वा दला ओमा गण गणपतये नमः का जाप करें। इससे गणपति महाराज आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर आपके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करते हैं। अगला उपाय है दीपक जलाना। सकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें और उनके समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और आप पर बप्पा का हाथ सदा बना रहता है। तो वहीं संकट चौथ के दिन साबुन हल्दी की गांठ गणपति महाराज को चढ़ाने से वर्तमान में चल रही सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपके अटके काम बनने लगते हैं। आगे बात करते हैं मोदक की। मोदक यानी कि लड्डू गणेश जी को बेहद ही प्रिय होते हैं, इसलिए चतुर्थी तिथि पर गणेश भगवान को मोदक जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार शमी ही एकमात्र पौधा है जिसकी पूजा से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। शमी गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। शमी के कुछ पत्ते गणेश जी को अर्पित करने से घर में धन और सुख की वृद्धि होती है। इसके अलावा भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अक्षत यानी कि पवित्र चावल अर्पित करने चाहिए। ध्यान रखें कि सूखा चावल गणेश जी को नहीं चढ़ाएं। चावल को थोड़ा गीला करें और फिर इंद्र अक्षतः ओम गण गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए 3 बार गणेश जी को चावल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है। इसके अलावा अगर आप अपने घर की तिजोरी को भरना चाहते हैं, तो आज स्नान आदि के बाद ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहां एक लकड़ी की चौकी बिछाएं और थोड़े से अक्षत यानी कि चावल लीजिए। उन चावलों से उस लकड़ी की चौकी पर श्री गणेश की आवृत्ति बनाएं। अब चौकी के ऊपर अक्षत से बने भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के 20 मिनट बाद चौकी पर रखे उन चावलों को एक कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।